हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, होपफुली। कुछ ही टाइम पहले मैंने पार्क गोयल की बायो हैक और कैम हैक का एक ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू बनाया था, और आज हम आ गए हैं फिर से राक्षिता सिंह की नीट क्वेश्चन बैंक बुक का रिव्यू करने। अगेन, अगर आप ऑथर को अच्छे से नहीं जानते तो राक्षिता सिंह एक MBBS स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ साल पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और साथ में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उन्होंने रिसेंटली अपनी एक बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक बुक पब्लिश की। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, और पहला पॉइंट ये है कि ये ऑब्वियसली कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बल्कि ये मेरा एक खुद का पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने बुक को खरीदने के बाद पिछले 2 हफ्ते अच्छे से बुक को पढ़ के और एनालाइज करके डेवलप किया है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये बुक खरीदने का ओपिनियन दिमाग में आ रहा है वो डिसाइड कर लें कि ये बुक उनके लिए है या नहीं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक को मैंने Amazon साइट से ऑर्डर किया, और ये बुक सब कुछ मिलाकर टोटल मुझे 450 रुपीज के अराउंड मिली, और उस बुक को मेरे पास पहुंचने में 1 हफ्ते का टाइम लग गया, 8 days to be exact। बुक का व्यू देखने में ऊपर से काफी सिंपल था, और ये बुक एक्चुअल में भी काफी सिंपल ही है, क्योंकि फ्रंट पे भी ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस एक नोटिसेबल चीज लिखी हुई है, और वो है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन MCQs बेस्ड ऑन NCERT टेक्स्ट बुक्स। बुक को खोलने के बाद भी आपको सेम ही चीज लिखी हुई मिलेगी, जिसके बाद डायरेक्टली बुक के कंटेंट्स दिए हुए हैं। 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी दोनों एक ही वॉल्यूम में है। सबसे पहले बॉटनी के 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स, और फिर जूलॉजी के। क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, और हर चैप्टर में ऑन एवरेज 100 to 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर चैप्टर के बाद आंसर की तो दी हुई है, लेकिन आंसर्स के एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए हैं। मोड किलर, राइट? ओके, ये तो थे बुक के जनरल फीचर्स। अब इस बुक को इतने दिन एनालाइज करने के बाद मैंने इस बुक के कुछ प्रोज और कॉन्स ढूंढ कर निकाले। इन सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं कॉन्स पे। पहली और सबसे बड़ी नेगेटिव चीज जो मैंने नोटिस की वो है इनएक्यूरेट आंसर की। इस बुक के एक्चुअल में 2 एडिशन आए। पहले एडिशन में एरर्स काफी ज्यादा थे, जिसको फिर एक अपडेटेड सेकेंड एडिशन में ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आंसर की एरर्स प्रेजेंट है। अब जो स्टूडेंट्स ये बुक यूज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक एडवाइस भी बनती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउटफुल लग रहे हैं उनको आपको NCERT की लाइन से क्रॉस चेक भी करना चाहिए, ना कि आप बुक की आंसर की पे डायरेक्टली ट्रस्ट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम के टाइम डायरेक्टली पता चले कि जो आंसर आप अपने दिमाग में लेकर गए थे वो पहले से ही गलत था। दूसरा पॉइंट जो लगभग इस बुक के साथ साथ मैक्सिमम बुक्स में है वो है लैक ऑफ assertion reason questions। ये एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन नीट के रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स में अभी भी assertion reason questions ज्यादा नहीं आ रहे, जबकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि नीट में continuously assertion reason questions को abundance में पूछने का ट्रेंड चल रहा है। तीसरा पॉइंट है lack of conceptual questions, जो मैंने बायोहैक और केम हैक को रिव्यू करते वक्त भी नोटिस किया था, और यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली वो चीज प्रेजेंट है। NCERT बेस्ड questions होना तो ठीक है, लेकिन conceptual questions की कमी की वजह से नीट एग्जाम में अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट हो सकता है, और उसे वही कर पाता है जिसने बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर्स। ये बात पहले तो कॉमनली नोटिस नहीं की जाती, लेकिन एक बार जब स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है तब ये चीज नोटिस होने लगती है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा पेन भी देती है, क्योंकि एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस तो होने चाहिए जिनमें एक एक्सप्लेनेशन जरूरत है। अब आते हैं इस बुक के प्रोस पे। पहला पॉइंट है नीड बेस्ड क्वेश्चंस। हालांकि assertion reason टाइप क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आप इस बुक के पैटर्न और नीट के उससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को नोटिस करें तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। नीट की एक अच्छी प्रैक्टिस आपको ये दे सकता है assertion reason questions को साइड में रखें तो, क्योंकि इसमें NCERT बेस्ड MCQs है, इसलिए लास्ट मिनट रिविजन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल बुक है। assertion reason questions तो नहीं है, पर हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिए गए हैं, और साथ में NCERT की डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप NCERT की डायग्राम्स काफी अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और ऑप्शंस को इस तरह सेट किया गया कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन को भी अच्छे से सीख पाएं, जो कि नीट में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और फाइनली बुक की प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, अनलाइक बायोहैक एंड केम हैक, तो इस बुक को मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है इस बुक को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में रेट करने का। प्राइस की बात करें तो सॉलिड 9 out of 10। वेटिंग पीरियड ऑफ डिलीवरी हर किसी के लिए वैरी करता है, तो लेट्स गिव इट एन 8 out of 10। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस 7 out of 10, ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाई। नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस 8 out of 10, एंड की एक्यूरेसी 6 out of 10। तो ये था मेरी तरफ से इस बुक का एक ऑनेस्ट ओपिनियन। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी जो इस बुक को खरीदने से पहले आपको मिलनी चाहिए। अब अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैं पूरी वीडियो में बायोहैक के मैक के रिव्यू की बात कर रहा था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, सामने वीडियो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो, वहां मिलते हैं। बाय।